अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको ईद उल अज़हा के कलेजी, गुर्दे, दिल, फेफड़ा सब मिला के तलना बता रही हूँ। उसके लिए मैं धो लेके कट करके 2 चमचे अदरक लहसुन डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम डालिए फिर चक्के डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, वन एंड हाफ लाल मिर्ची पाउडर, अपने को काली मिर्ची भी डालना है तो मिर्ची भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, थोड़ा पुदीना और 1-4 हरी मिर्चियाँ साथ में डालेंगे, पापरिका बीच में थोड़ा डालेंगे, फिर दम में डालेंगे। तो मैं पूरी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। पूरे चीज़ें हैं देखिए, ये कलेजी, गुर्दे, दिल और फेफड़ा। अगर आप लोग इसमें से कुछ भी नहीं खाते तो वो हटा दीजिए, बाकी के दूसरे चीज़ें भी वैसे डाल सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी होता, मसाले का रहता, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिए। स्टोव पे कढ़ाई चढ़ाई में इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी, ऑयल डाल रही मैं। गरम हो गया, मैं इसमें सिंपल है मगर बहुत टेस्टी होती, और इसमें अच्छा ग्रेवी रहता देखिए एंडिंग तक। और बीच में मैं काली मिर्ची एंडिंग में गरम मसाला वह डालूँगी। अब अपन थोड़ा लिड कवर करेंगे, उसके बाद जिसमें अपन मिक्स करें उसमें थोड़ा पानी डाल के गलना है इसमें, क्योंकि फेफड़ा भी है। अब इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ और अपन अब लिड कवर कर देंगे 10 मिनट तक, ये गलेगा, उसके बाद अपन लिड हटा के देखेंगे। ये लिड कवर कर रही हूँ मैं 10 मिनट के बाद बताऊँगी। 10 से 15 मिनट मैं लिड कवर करके छोड़ दी थी, ऐसा ग्रेवी हुआ देखिए। अगर आपको और बनावा या होना है तो आप कम कर लीजिए, मैं ये लेवल पे। अब इसमें थोड़ी काली मिर्ची, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ा गरम मसाला डालूंगी मैं 1/4 चम्मच, और कोथमीर, हरी मिर्चियाँ, पुदीना, थोड़ी चीज़ें आप डाल देंगे। मिक्स करेंगे, उसके बाद डिश और सबके पास पाऊंगी। बहुत बहुत टेस्टी होती है, ज़रूर ट्राई करिए आप लोगों ने। देखिए बकरा ईद की कलेजी, फेफड़ा, दिल, गुर्दे सब बन के रेडी हो गए एक साथ मिला के तली में, बहुत टेस्टी होती है। आप लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक वीडियो देख के ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी डिश है ये। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जब भी कोई नई डिश अपलोड करूँगी तो आप तक पहले पहुँचेंगी, और कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए दुआओं में याद रखिए, फिर मिलेंगे नए डिशेस के साथ। अल्लाह हाफिज़।